हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम सारी पंजाबी सब्जी को भुला दे ऐसी स्वीट कॉर्न सब्जी बनाएंगे। ये सब्जी बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनकर तैयार होती है। अभी स्वीट कॉर्न की सीज़न है तो वो आपको आसानी से मिल जाएंगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई में एक चम्मच तेल लेंगे। तेल में 2 से 3 लौंग डाल देंगे, 2 ग्रीन इलायची, 1 इंच दालचीनी, 2 तेज पत्ते डाल देंगे। अब 3 मीडियम साइज के प्याज की लंबी स्लाइस करके डाल लेंगे। अब प्याज को कुछ सेकंड के लिए चला लेंगे। 3 से 4 काश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए सौते कर लेंगे। प्याज के सारे पीस अलग हो जाए और उसका थोड़ा कलर चेंज हो जाए तब हम 4 मीडियम साइज के टमाटर को बड़ा कट करके डाल लेंगे। 10 से 12 लहसुन, 2 इंच अदरक का टुकड़ा, 3 से 4 हरी मिर्च, 8 से 10 काजू, थोड़ी धनिया की डंठल और थोड़ा नमक डाल लेंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए तब तक मीडियम फ्लेम पर सब्जी को चलाते रहना है। अब टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। जब सब्जियाँ ठंडी हो जाए तब हम इसे एक मिक्सर जार में ले लेंगे और 1/2 कप पानी डाल देंगे और मिक्सर में क्रश करके फाइन प्यूरी तैयार कर लेनी है। अब हम एक कढ़ाई में 4 चम्मच तेल लेंगे और 3 चम्मच घी लेंगे। आप घी या तेल में से कोई भी एक ले सकते हैं, पर पंजाबी सब्जी में घी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। घी और तेल गर्म हो जाए तब हम इसमें 1 चम्मच जीरा डाल देंगे। अब 2 प्याज को बारीक चॉप करके डाल देंगे। जब तक प्याज का गोल्डन कलर नहीं हो जाता तब तक प्याज को चलाते रहना है। अब तैयार की हुई प्याज टमाटर की ग्रेवी डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। अब हम सब्जी में मसाला कर लेंगे। 1/2 चम्मच हल्दी, 1.5 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक, 1/2 चम्मच काला नमक डाल देंगे और इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। 1/2 कप पानी मिक्सर जार में डालकर मिक्सर जार को रेंस करके डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 कप स्वीट कॉर्न डाल देंगे। मैंने स्वीट कॉर्न को कच्चा ही रखा है, मैंने उसे बॉयल नहीं किया हुआ है। स्वीट कॉर्न ग्रेवी में अच्छे से पक जाता है। आप चाहे तो इसे बॉयल करके भी डाल सकते हैं। थोड़ा कैप्सिकम को लंबा कट करके डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ढक्कन ढक कर सब्जी को 5 से 6 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर होने देंगे। अब 6 मिनट हो गए है, हमारी सब्जी ठीक हो गई है। अब हम सब्जी में 50 ग्राम जितना पनीर ग्रेट करके डाल देंगे। 1/2 चम्मच गरम मसाला डाल देंगे। 1 चम्मच कसूरी मेथी को हाथों से मसल कर डाल देंगे और इन सबको अच्छे से सब्जी में मिक्स कर लेंगे और कुछ सेकंड के लिए चला लेंगे। अब हम ऊपर से धनिया डाल देंगे और धनिया को सब्जी में अच्छे से मिला लेंगे। तो हमारी सब्जी तैयार हो गई है। तो पंजाबी स्टाइल स्वीट कॉर्न सब्जी को हम सर्व कर लेंगे। आप स्वीट कॉर्न सब्जी को नान या पराठा के साथ खा सकते हैं। मैं सब्जी के ऊपर थोड़ा पनीर ग्रेट कर लूँगी और धनिया से गार्निश कर लूँगी। टेस्टी और मज़ेदार पंजाबी स्वीट कॉर्न सब्जी आप घर पे बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आप मेरी चैनल में नए हैं और अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए और नीचे दी गई हुई बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी नई नई रेसिपी मिलती रहे। थैंक यू।